अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम थोड़ी सी सर्दी और धुंध में कांपने लगते हैं, मगर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुनिया के सर्द जहन्नम में रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी वीडियोस बरवक़्त आपको मिल सकें। रूस के खित्ते साइबेरिया में वाक़ शहर याकूतस्क इंसानी आबादी वाला सर्द तरीन शहर है। याकूतस्क में दर्ज हरारत -50 डिग्री तक हो जाता है। इस शहर की आबादी 4 लाख के करीब है। दोस्तों, याकूतस्क में रहने वालों के लिए मौसम सरमा अजियतनाक होता है जो अक्टूबर से मई तक चलता है। यहाँ के लोग गैर जरूरी घर से बाहर नहीं निकलते। सिर्फ 10 मिनट बाहर रहना थकावट, चेहरे के दर्द और हाथों को जख्मी कर सकता है। यहाँ के मकामी लोग भी आधे घंटे से ज्यादा बाहर नहीं ठहरते। यहाँ लोगों की चंद मिनटों में पलकें तक जम जाती हैं। सख्त मौसम के सबब यहाँ से हवाई जहाज भी नहीं गुजर सकते और फसलें उगाना तक मुमकिन नहीं। यहाँ के स्कूल -42 के बाद बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, इस शहर में दिखने वाली हर चीज बर्फ से जमी होती है, वो घरों के बाहर खड़ी साइकिल हो या कोई गाड़ी। यहाँ के लोग अपनी गाड़ियाँ गर्म रखने के लिए गैराज में हीटर चला देते हैं। इस बर्फानी जहन्नम में लोग मछली और घोड़े का गोश्त खाकर गुजारा करते हैं। चंद खास किस्म के जानवर ही सर्दी में जिंदा बच सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर दुनिया की दिलचस्प मालूमात अपलोड होती रहती है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दें। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी वीडियोस बरवक्त आपको मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।